जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है। गदरपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून से आए विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने अचानक नगर के मुख्य बाजार में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कई उपभोक्ताओं के यहां से विद्युत की चोरी पकड़ी और केवल के अलावा मीटरों को भी जब्त किया। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने कहा कि जो विद्युत चोरी करते हुए पकड़े गए उन उपभोक्ताओं के खिलाफ गदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी आपको बता दें कि देहरादून से आए विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने स्थानीय विद्युत विभाग की टीम और पुलिस विभाग के सहयोग से अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह के नेतृत्व में नगर के मुख्य बाजार में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई उपभोक्ताओं के यहाँ से विद्युत की चोरी पकड़ी और केवल के अलावा मीटरों को भी जब्त किया। आपको बता दें विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा गुलर भोज मोड़ थाने के सामने गली एवं मादन फोटो स्टेट वाली गली एवं कई स्थानों पर छापेमारी करवाई गई। तो वहीं बिजनेस टीवी की छापेमारी करवाई की भनक लगते ही विद्युत व्यक्ति चोरी करने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। ये गदरपुर से शाम रवि की। आज गदरपुर में दो टीमें काम कर रही हैं विजिलेंस की, जिसमें हमारे लोकल पुलिस भी साथ में चल रही है और पूरे शहर में देखा जा रहा है जहां पर संभावना है चोरी की वहां पर चेक किया जा रहा है। अभी तक कुल 12 चोरी मिली हैं। अभी कार्रवाई जारी है, ये आगे जारी रहेगी और मेरी जनता से ये निवेदन है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं जिनके तारों में कट हैं किसी भी कारण से वो अपना चोरी करना बंद कर दें, जिनके तारों में कट हैं वो अपने कट हटा दें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और जिनके मीटर अपने घरों के अंदर लगे हुए हैं या प्रिंसेज के अंदर मीटर लगे हुए हैं उन मीटरों को बाहर करवा दें ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी हमारे नागरिक को समस्या का सामना ना करना पड़े। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा गदरपुर थाने में और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी गदरपुर थाने से ही।